गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हम सब लोग एकदम मस्त ना। तो सबसे पहले आप सभी को जय श्री केदार, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और सबसे पहले आप लोगों को 15 अगस्त आज़ादी के दिन की शुभकामनाएं। आज़ादी का जो पर्व है हमारा, उसकी बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। दोस्तों आज की वीडियो जो होने वाली है, आज की वीडियो दो पार्ट में आने वाली है। हाँ, और ये रहने वाली है आपका सार्जन डीजे को लेकर के मेरे झारखंड दौरे को। तो दो पार्ट में आएगी, दोनों पार्ट देखने की आप कोशिश करना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं तब नहीं दिखा पाया था, आज आप लोगों को दिखाऊंगा। तो प्यार देना, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लो और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसे लगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने तब नहीं दिखाई थी। सार्जन भाई ने बताया था कि राकेश भाई अभी इनको मत डालना, आप अगर डालना चाहे तो यात्रा खत्म होने के बाद डालना। उन्होंने तो कहा था कि 2 तारीख के बाद डाल देना, लेकिन 2 तारीख के बाद डालने का टाइम नहीं लगा। हाँ, तो अब आपको चीज़ें दिखाता हूँ कि वहाँ का साम्राज्य, वहाँ का क्या चीज़ें थी जो तब नहीं दिखाई थी हम लोगों को। तो देखना और कमेंट करके और लाइक करके जरूर बताना कि कैसी रही। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले आप सभी को जय श्री केदार, जय श्री केदार। सिर्फ मैं ही मैं हूँ। और अब चलते हैं यहाँ से, जहाँ हमें जाना है वहीं पर, ठीक है ना। तो दोस्तों, तो मैं कह रहा हूँ कि बने रहना पूरी वीडियो पे आप। और ये है धनबाद। और जैसे हमारे यहाँ, जैसे हमारे देखो माता पच्ची, हाँ ये देख सकते हैं, एक मजदूर चाहिए और कितने जने बैठने को तैयार हैं, कितने जने बैठने को तैयार हैं, लड़ाई झगड़ा है, एक लेबर के साथ कितने जने बैठने को तैयार हैं। ओ अच्छा दोस्तों, तो बात करें ना झारखंड में धनबाद की, तो हरियाली बहुत है। आप सड़क किनारे भी देखेंगे तो पूरी हरियाली है। हमारे मेरठ जैसा नहीं है बंजर एकदम, कि सड़कों के किनारे पेड़ ही नहीं है। तो हम लोगों को कुछ सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा दोस्तों हम लोगों को कुछ। देख रहे हैं आप, यहाँ चौपले भी कितने सुंदर हैं और हरियाली के साथ हैं, और कोई भी रोड ऐसी नहीं जिसके किनारे किनारे पेड़ ना हो। सार्जन भाई का जो शिवनारायण महतो भाई हैं, उनका घर ना धनबाद से करीब 35 से 40 किलोमीटर दूर है, उनका प्रोडक्शन हाउस जहाँ पर है। और पूरा का पूरा जंगली रास्ते से होकर के जाना पड़ा। जंगली रास्ते से होकर जाने का एक कारण यह था कि जो मेन हाईवे था ना, उसका ब्रिज टूट गया था। तो वहाँ पर काम चल रहा था, तो भाई साहब जंगली रास्ते से जाना पड़ा। और रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा नैरो और बहुत ज़्यादा ख़राब था, उबड़ खाबड़ वाला रास्ता था। हाँ, और जंगली रास्तों के द्वारा अंदर जा रहे थे, तो एक बार को तो थोड़ा थोड़ा डर सा भी महसूस हुआ कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, ये कौन सा रास्ता है जहाँ पर ये लोग जा रहे हैं। तो दोस्तों पूरा कोयला ही कोयला है यहाँ पर, आप देखें पूरे हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो भी कोयले के ऊपर। तो ऐसा ही दूसरा ब्रिज है जो दोस्तों जो डैमेज हो गया, जो मेन हाईवे का ब्रिज है वो डैमेज हो गया। तो अब ये एक दूसरे ब्रिज से जा रही है जो जंगली रास्तों के बीच में से ही जा रहा है होकर के। और देख सकते हैं आप, जो ये नदी है इसमें खास कम पानी है। लगता है दोस्तों कठिन सफ़र कम होने वाला है, क्योंकि साइड में हमको दिखने लगी है रेलवे लाइन की पटरी। तो लगता है कि जल्दी ही हम हाईवे पे निकल आएंगे, नहीं तो खबड़ खबड़ ऊबड़ खबड़ में तो बैठे बैठे हालत ही ख़राब हो गई है। कमर भी कभी ऊपर लगती है, कभी नीचे लगता है सर, डर लगे इतने गड्ढे से हो गई है, बस अपना सफ़र पूरा कर रही है। अभी भी आप देख सकते हैं कि रास्ता कैसा है, लेकिन बराबर में रेलवे लाइन दिखने लगी है, तो लगता है कि सफ़र अब जल्दी ये कठिन सफ़र ख़त्म होने वाला है। दोस्तों अगर देखा तो दूर दूर तक बंजर ज़मीन है, हरियाली है वैसे, लेकिन खेती वाली ज़मीन नहीं है। आप देखें कहीं भी खेती वाली ज़मीन नहीं है। दोस्तों अगर मैं यहाँ की भाषा की बात करूँ तो मेरी कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। हाँ, क्या ये कंडक्टर बोल रहा है, क्या सवारी बोल रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो बात सब बिल्कुल अलग है यहाँ, लेकिन सड़कें बड़ी मस्त आ चुकी है। तो फाइनली हम उतर गए हैं भगोला मोड़ पर, और ये अपनी महाराजा बस थी। तो यहाँ ड्रॉप हो गए हैं और यहाँ से आएंगे अब अपने आप को लेने सार्जन भैया। हाँ, क्योंकि सार्जन भैया को तैयारी करनी है पूरी, अदरवाइज वो कह रहे थे धनबाद आ जाऊँ राकेश भाई। हाँ, तो मैंने कह दिया कि नहीं नहीं आप काम में लगे रहो, मैं बस से यहाँ तक आ जाता हूँ और यहाँ से सार्जन भाई खुद लेने आएंगे। तो चलो चलते हैं। तो ये है भगोला मोड़, कार्तिक इंटरनेट जोन, भगोला मोड़, चंदन कियारी, यहाँ देख सकते हैं आप। गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं सब लोग, एकदम मस्त ना। तो दोस्तों जहाँ पर पहुँचना था ना, और जो मंजिल हमें मिलनी थी वहाँ हम पहुँच गए। तो दिखा दो डायरेक्ट, तो यहाँ देख सकते हैं कौन बैठे हमारे बरार में, देख सकते हैं सार्जन भाई, सार्जन डीजे के ओनर। कैसे हैं भैया? ठीक ठाक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सार्जन भाई, जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा सार्जन भाई लेने आ गए। मेरे को तो ये था मेरा इंतजार करना पड़ेगा, सार्जन भाई यहीं खड़े मिले हैं। और अभी चलते हैं, बात आपको रास्ते में कराते हैं। फिलहाल आपको दिखा दिया कि साथ में कौन है, सार्जन भाई अपने। और ये वे ऑफ
ये आपका जो गोडाउन है वहाँ का रास्ता है ना जी, जो घर भी है। अच्छा, घर भी है, मतलब वो जो आपका गोडाउन है और जो घर है वो पास पास ही है? पास पास ही। और ये अपना गांव है, गांव के अंदर है जी। और ये समझ के चलिए, मतलब यहाँ पर कोई अगर बाहर से आता है तो ऐसा कोई चीज नहीं, आप रास्ता देख के समझ में आ रहा है जी, जी, मतलब इधर से कोई चीज आपको ऐसा कोई चीज फेमस देखने को नहीं मिलेगा कि जो यहाँ पर कोई विजिट करेगा जी। हाँ, वो नॉर्मली जैसे गांव का रास्ता होता वही रहने वाला। बाकी कोयल सिटी है आपको दोस्तों, कोयले की खदान टाइप मुझे बहुत रास्ते मिली है, टूट टूटा कोयला, ऊंचे ऊंचे पहाड़ यहाँ पर कोयले के हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगी ना, यहाँ की ग्रीनरीज देखो, मुझे पसंद आती है ग्रीनरीज, मैं हमेशा बताता हूँ, इसलिए मैं आपका उत्तराखंड जाता हूँ। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर प्लांट लगा, क्रेशर प्लांट लगा हुआ है यहाँ पर, और नॉर्मल रास्ता है। तो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर हरियाली बहुत है। तो पहुंच के बात करते हैं दोस्तों, बाकी आपको मिलवा दिया स्टार्टिंग की वीडियो में ही दिखा दिया, 7:30 बजे से मुलाकात हो गई है जिसके लिए हम यहाँ पे आए थे, बाकी पहुंच के सारी बातें कराते हैं, मिलते हैं तो थोड़ी बहुत देर में। वो सारे आपका आप यहीं लगा के सेटअप सुनाते हैं, गाड़ी लगा हुआ है जी। तो माल, क्योंकि हरिद्वार कावड़ यात्रा जानी है तो गाड़ियां आ चुकी हैं, देख सकते हैं किधर खड़ी है, ये खड़ी है, ये खड़ी है, और ये है प्रोडक्शन हाउस दोस्तों। देखा पहली बार राकेश तोमर कुमक्कड़ पर, उतरते हैं। तो तैयारी पूरी जोर शोर से है, हर चीज में, हर एंगल से, हर चीज में कोई कमी ना रह जाए, पूरी जबरदस्त तैयारी चल रही है। तो ये है डीजे सार्जन प्रोडक्शन, देखो साम्राज्य, डीजे सार्जन प्रोडक्शन का साम्राज्य। दोनों तरफ इधर भी लाइन लगी हुई है, इधर भी लाइन लगी हुई है। देख रहे हैं आप कितना लंबा हॉल है, और पूरी जबरदस्त सामान से भरा पड़ा पूरा। दोस्तों मैं वहां पर रहा, पूरा दिन रहा मैं वहां पर जब, और तो इतना जबरदस्त काम चल रहा था वहां पर, कंपनीज यानी कि पार्टी आ रही थी, पार्टी जा रही थी, पार्टी अपना माल का ऑर्डर लिखवा रही थी, पार्टी अपना माल लेकर के जा रही थी। तो पूरे दिन यही प्रोसेस वहां पर चलता रहा। स्लिप आप लेके चल गए, और स्लिप ले जाने के बाद आपको लगेगा कि अपने हिसाब से भी कोई सामान का रेट अगर गलत है तो आप दूसरा जगह से भी उठा सकते हैं। और एक चीज़ इसमें अगर आपको लगेगा कि नहीं हमको थोड़ा थोड़ा बदलाव करना है तो फिर आप घर जाकर आप हमको इसमें नंबर दिया हुआ ना व्हाट्सअप कीजिएगा। अब क्या स्लिप आपको हम दे दिए इसका मतलब? तो दोस्तों देखा, यहाँ पर फुल्ली सेटिस्फाई किया जाता है जो आने वाला कस्टमर, जो पार्टी होती है, जो यहाँ पर विश्वास पे आता है ना, फेथ पे आता है, तो उसको फर्ज बनता है कि उसको फुल्ली सेटिस्फाई कर दिया जाए। क्योंकि देखो सेटअप लेना बड़ा बात नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर बात चल रही थी सार्जन भाई से, यहीं बैठे थे तम, तो तभी दो बंदे और आ जाते हैं और सार्जन भाई को ऑर्डर देके जाते हैं और बोलते हैं कि राकेश भाई आपका हम वीडियो देते हैं। तो इन लोगों ने पहचान लिया, क्या नाम आपका? महादेव टुडू। और आपका? रोहित हेमराम। रोहित, तो कहाँ के रहने वाले हो आप लोग? पोंडा जनमोड़। जिला? बोकारो। अच्छा, बोकारो से है। तो दोस्तों बस यही प्यार कमाया है मैंने कि भाई लोग जहाँ मिलता है पहचान लेते हैं, कितना ही कमाया है यही बहुत है, और इससे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। बाकी कैसी लगती है वीडियो? बहुत अच्छा लगता है ना, कोशिश कर लेता हूँ अच्छी अच्छी वीडियो बन जाए। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा आपसे मिलके। और भाई लोग यहाँ से सामान खरीद के ले जा रहे हैं, बाकी भाई लोगों ने ऑर्डर दे दिया है, ऑर्डर लिखवा दिया है, तो इनको टाइम दे दिया गया कि अब कावड़ के बाद ही आना भैया, 20-25 दिन बाद ही होगा तुम्हारा जो भी कुछ होगा। ठीक है तो दोस्तों, अच्छा लगा आपसे मिलके। ठीक है तो दोस्तों, ये था पहला पार्ट, आप लोगों को सिर्फ ये इसलिए दिखाया कि आप लोगों की याद ताज़ा हो जाए, मेरे झारखंड दौरे की याद ताज़ा हो जाए। और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला ना, वो जबरदस्त आने वाला, उस चीज़ में आप वो सब चीज़ देख रहे कि सार्जन भाई क्या क्या तैयारी करके वहाँ से हरिद्वार के लिए आए थे और क्या क्या सेटअप किस तरह से वो लेके आए थे, तो पूरी की पूरी आपको जानकारी मिलेगी। तो उस वीडियो को पूरा प्यार देना। तो ये वीडियो यहीं और ये वाली अगली वाली वीडियो आपके पास आज शाम को, नहीं तो कल सुबह पहुँच जाएगी। तो इंतजार करो कल की ब्लॉकबस्टर वीडियो का, ब्लॉकबस्टर कह रहा हूँ दोस्तों, ब्लॉकबस्टर वीडियो का इंतजार करो, और कहाँ से इंतजार करो, पहले इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करके जाओ। मिलते हैं थोड़ी बहुत देर में।